नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन में होगी देश के नए भविष्य की शुरुआत। नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू, सदन में महिला आरक्षण बिल पेश। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के लिए पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों का चयन। चंपावत को विकास के लिए मिली 70 करोड़ की धनराशि। पर्यटन विकास की गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। पौड़ी में पोषण जागरूकता को लेकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। गर्भवती महिलाओं और बच्चों ने लिया भाग। कुपोषण से बचाने के लिए संतुलित आहार लेने पर दिया जोर। और बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के आकलन में जुटा लोक निर्माण विभाग। पर्वतीय जिलों में सर्वाधिक नुकसान। मॉनसून की विदाई के बाद होगी सड़कों की मरम्मत। अब समाचार विस्तार से। संसद के विशेष सत्र की कार्यवाही नए संसद भवन में शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति जनदीप धनखड़ ने कहा है कि नया संसद भवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है और राष्ट्रीय गर्व, एकता और पहचान का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश नए संसद भवन में नए भविष्य की शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज हम नए संसद भवन में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। नया संसद भवन एक सिर्फ नई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये एक नई शुरुआत का प्रतीक भी है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं, जब किसी भी नई चीज के साथ हमारा जुड़ाव आता है तो मन पहला करता है कि अब एक नए वातावरण का मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूंगा, उसका सर्वाधिक सकारात्मक वातावरण में मैं काम करूंगा, एक सहज स्वभाव होता है। और अमृत काल की शुरुआत में ही इस भवन का निर्माण होना और इस भवन में हम सबका प्रवेश होना, ये अपने आप में हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों की जो आशा आकांक्षा है उसमें एक नई ऊर्जा भरना वाला बनेगा, नई आशा और नया विश्वास पैदा करना वाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को नई संसद में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सरकार की प्रत्येक योजना ने महिला नेतृत्व की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। वीमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। वहीं प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने महिला आरक्षण बिल संसद में लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। एक महिला होने के नाते आज मैं देख रही हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया है। महिला आरक्षण 33% उन्होंने आज यूनियन कैबिनेट में पास हुआ है और पार्लियामेंट में, संसद में पेश हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार।
चंपावत और सीमांत पिथौरागढ़ जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत इन जिलों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। योजना के तहत पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए चार चरणों में चंपावत जिले के 5 स्थानों में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। चंपावत जिले के पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद कुमार गौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश की सीमावर्ती पिथौरागढ़ और चंपावत 2 जिलों का चयन किया गया है। चंपावत जिले को 70 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिसमें एबट माउंट, टी गार्डन, कोलीढेक झील, बानासुर का किला और राजपुंगा किले में पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना है। पहले चरण में एबट माउंट और टी गार्डन का विस्तार किया जाना है। जनपद का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अभी तक भारत सरकार द्वारा 70 करोड़ की फंडिंग हमें प्रदान की जा चुकी है। इसमें हमारे फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट हमें टेकअप किए गए हैं, हमारे एबट माउंट और टी गार्डन हमने टेकअप किया है। सेकंड फेज में हमारा कोलीढेक और बानासुर पोर्ट हमारे द्वारा टेकअप किया जाएगा। थर्ड फेज में हम राजमुंगा पोर्ट चंपावत का लेंगे और फिर फोर्थ फेज में हम चूका का इसमें टेकअप करेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला मुख्यालय पौड़ी में स्वस्थ बालिका बाल एवं भावी मां कुछ प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं में स्वस्थ संतान और मां के दूध के महत्व के प्रति जागरूकता की गई। इस मौके पर विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से महिलाओं को संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जो धात्री माताएं होती हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उनके लिए हम किस तरह का संतुलित आहार उनको दें ताकि उनके गर्भ में जो बच्चा फूल रहा है उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो, और जब जन्म के बाद भी उस बच्चे के लिए किस तरह का हम संतुलित आहार की व्यवस्था करें, कैसे उनको भोजन दिया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की प्रेरणा से संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कुपोषण से मुक्ति है। कार्यक्रम में 6 माह से 1 वर्ष, 1 वर्ष से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों और भावी माताओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वर्ष हमने पोषण माह की जो थीम है, मतलब सशक्त भारत, साक्षर भारत, सुपोषित भारत है, तो इसी थीम के आधार पर आज हमने जनपद पौड़ी में स्वस्थ बालिका बालक प्रतिस्पर्धा और भावी माजी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इसमें काफ़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग किया है, और प्रतिभाग करने वाले जो माताएँ हैं, जो बच्चे हैं, इनका स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जाँच भी की गई और इन्हें हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि ये कार्यक्रम माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये योजना काफी अच्छी योजना है और हम चाहते हैं ये आगे भी ऐसी चले ताकि और भी जो महिलाएं हैं वो इसके बारे में जानें और उनको पता लगे कि सरकार क्या क्या हमारे लिए नीतियां करती है। मॉनसून सीजन अब समापन की ओर है। हालांकि मौसम विभाग ने देहरादून समेत 3 जिलों में अगले कुछ घंटों में मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मॉनसून के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की कई सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। लोक निर्माण विभाग मॉनसून सीजन के जाने के बाद मोटर पुलों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करेगा। इसके लिए विभाग क्षति का आकलन कर रहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ पंकज पांडे का कहना है कि मॉनसून में बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये अभी लगातार जारी है, बीच बीच में लगातार बढ़ जा रही है बारिश, उससे डैमेजेस हो ही रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना क्योंकि जो पैच रिपेयर का काम है और जो बाकी काम है वो हम लोग ऑलरेडी चालू कर दिया। हम लोगों ने जो रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन के काम है उनके टेंडर्स वगैरह वो सब चालू कर दिया गया है कि जैसे ही मौसम ठीक होगा, बारिश खत्म होगी, उसके बाद इमीडिएटली जो उसका रिपेयर का काम है वो हम लोग कर सकें और पब्लिक को कम से कम इसमें सुविधा हो, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं।
भाजपा ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पार्टी मुख्यालय में लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस मौके पर मीडिया के साथ बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश को विकास पथ पर आगे बढ़ाने के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य हमेशा प्रेरणा देते हैं। यही वजह है कि उनके जीवन दर्शन और वृत्तांत को आधार बनाते हुए इस चित्र प्रदर्शनी को लगाया गया है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें देख समझकर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। उन्होंने बताया कि यह प्रदर्शनी 24 सितंबर तक चलेगी। पौड़ी गढ़वाल के तहसील चौबट्टा खाल में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनता की बुनियादी समस्याओं की शिकायतों की सुनवाई हुई। इस मौके पर चौबट्टा खाल तहसील के प्रभारी एसडीएम नवाजिद ने बताया कि तहसील दिवस के अवसर पर 24 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से अधिकतर समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया। जो मैक्सिमम शिकायत हमारे पास आई है वो पेयजल से संबंधित और सड़कों के पुनर् जो पुश्ते वगैरह डैमेज हो जाते हैं या उनका जो रेनोवेशन है उससे रिलेटेड आई है, जिसमें हमारे द्वारा संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और हमारा प्रयास है कि इन तहसील दिवस को या बीडीसी जैसे राजकीय जो हमारे गैदरिंग्स होती हैं जिसमें ऑफिसर्स और आम जनमानस आते हैं, तो उनको हम एज अ फॉर्मैलिटी ना लें और हम उसको फीडबैक भी लेते रहें ताकि उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। तो हमारी ओर से भी यही प्रयास है कि हम इस चीजों का फायदा उठाएं और लोगों को लाभ पहुंचाएं। शिकायतकर्ता उबट निवासी सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने आज पेयजल और क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्षेत्र में गुलदार का भय बढ़ने का भी मुद्दा उठाया। यहाँ पे जैसे कि लगातार आप देख रहे होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार लेपड़ का जो है बहुत भय हो गया है। अभी कुछ ही दिन पहले कुई मजगों में जो है गौशाला में आके जो है एक कुत्ते के साथ भिड़ंत हो गई, गाय के साथ भिड़ंत हो गई और लगातार जो है जंगली जानवरों का भय हो रखा है, सुअरों का भय हो रखा है, जिससे लोग कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं और अपने आवासीय भवनों में भी भय के साथ रह रहे हैं। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने सामाजिक कल्याण मद में चंपावत जिले को कंप्यूटर ऑन व्हील्स वाहन प्रदान किया है। इस वाहन को आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से रवाना किया गया। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इस वाहन को जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने झंडी दिखाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से पिटकुल द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के प्रसार का यह बेहतरीन प्रयोग है। उन्होंने कहा कि इस वाहन के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जिन बच्चों के पास इंटरनेट और अन्य सुविधाओं का अभाव है, उन्हें भी कंप्यूटर और इंटरनेट तकनीक से संबंधित विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही बच्चों को इनोवेशन टेक्नोलॉजी, बच्चों के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रिसर्च के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और प्रशिक्षित किया जाएगा। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग अपने घर में मिट्टी के से बने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 10 दिन तक चलने वाले उत्सव के दौरान उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उत्तराखंड में देहरादून समेत विभिन्न शहरों और हिस्सों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के प्रतीक है। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी उत्साह और खुशी का त्यौहार है, जो मिलकर काम करने का संदेश देता है और जीवन में विनम्र रहने और समाज में सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देने की प्रेरणा भी देता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन में होगी देश के नए भविष्य की शुरुआत। नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू, सदन में महिला आरक्षण बिल पेश। केंद्र की स्वदेश दर्शन योजना के लिए पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों का चयन। चंपावत को विकास के लिए मिली 70 करोड़ की धनराशि। पर्यटन विकास की गतिविधियों को अब मिलेगा बढ़ावा। पौड़ी में पोषण जागरूकता को लेकर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन। गर्भवती महिलाओं और बच्चों ने लिया भाग।
कुपोषण से बचाने के लिए संतुलित आहार लेने पर दिया जोर। और बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों के आकलन में जुटा लोक निर्माण विभाग, पर्वतीय जिलों में सर्वाधिक नुकसान, मॉनसून की विदाई के बाद होगी सड़कों की मरम्मत। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DDNews उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DDNews उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।